सोलन जिला के विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सपरून में नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों सहित बीडीसी सदस्य द्वारा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से श्री स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर देहूंघाट में विशाल भोज व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्य अतिथि का पंचायत प्रतिनिधियों व श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मेला कमेटी के प्रधान सहित स्थानीय जनता द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नव निर्वाचित प्रधान रेणु देवी ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल का स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं प्रधान रेणु देवी द्वारा मुख्य अतिथि के समक्ष मंदिर परिसर के साथ बने अखाड़े के शेड पर चादर पर देहूं के जंगल में बने शमशान घाट में बैठने के लिए शेड बनाने की मांग रखी गई, ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने पंचायती राज चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पंचायत के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत में होने वाले विकास की राह में प्रदेश सरकार व स्वयं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधान पंचायत द्वारा रखी गई दो मांगों के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की गई, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रधान रेणु देवी ने मांगों को पूरा करने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस तरह के सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में विकास करवाने व जन समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि पंचायत की जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राम पंचायत सपरून में जन समस्याएं भी सुनी। यही प्रार्थना करता हूँ कि नव नियुक्त हमारे सभी प्रतिनिधि अपने कार्य, जो ये इनकी जिम्मेवारी है, इसके निर्वहन में आप कामयाब रहें, खूब विकास आपकी इस पंचायत का हो। आपने दो मांगे मुझे बताई हैं और मैं आपको ये विश्वास देने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ कि एक मंत्री के नाते और सरकार में होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ कि मेरा पूरा सहयोग जो है, 100% सहयोग जो है आपकी पंचायत को रहेगा। जहाँ तक विकास की बात है, दो बातें आपने यहाँ रखी हैं, भाई रंजीत सिंह ठाकुर जी ने भी कहा, प्रधान जी ने पहले बात रखी, मेहता जी ने भी, ठाकुर साहब ने भी बात रखी, पूर्व प्रधान जी ने। एक तो आपने जो है यहाँ, हमने जो अखाड़े के लिए कुछ राशि यहाँ पर दी थी, बहुत बढ़िया कुश्तियों का मेले का आयोजन यहाँ पर होता है और मैं भी दो बार जो है उस मेले में मैं खुद जो है वहाँ आया हूँ और मैंने देखा है जिस तरह की कुश्तियाँ यहाँ पर होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। तो उसको जो है और ज़्यादा इसको ठीक करने के लिए, ताकि और व्यवस्थाएँ वहाँ अच्छी हो जाएँ, मैं 5 लाख रुपया देने की वहाँ पर घोषणा करता हूँ। फिर ये इंस्टॉलेशन ऑफ बेंच एंड शेड एट शमशान घाट देहूं, शेड बनना है, बेंचेस लगने हैं, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि जो है वो देने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा भी, हालांकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, पर ये स्थान बड़ा एक पवित्र स्थान है, इसलिए मैं आपको यहां से एक विश्वास देना चाहता हूं कि इसके अलावा और भी मांगे और भी सहयोग जो है सरकार का आपको जहां अपेक्षित होगा वहां मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं, आपके सब कामों में हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे